एड़ियों का फटना खासकर विंटर के मौसम में होता है, लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा खुश्क रहती है, ड्राई रहती है, उनकी हर मौसम में एड़ियाँ फटती रहती हैं। सर्दियों के मौसम में कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में नमी की कमी रहने लगती है, स्किन रूखी सूखी ड्राई रहने लगती है, और इसी वजह से सर्दी के मौसम में कुछ लोगों की ज़्यादा ही एड़ियाँ फटती हैं। अगर आप पानी की मात्रा का खास ध्यान रखेंगे सर्दी के मौसम में, तो बॉडी में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस बॉडी में कम होती है और एड़ियाँ भी कम फटती हैं। तो आज आपको यहाँ पे छोटा सा उपाय बताऊँगी। रात को सोते हुए यदि आप उस उपाय को करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ही आपकी फटी एड़ियाँ ठीक होने लग जाएंगी। इसके लिए आप घर पे रखे हुए कैंडल यानी मोमबत्ती का इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पे जितना बनाना है उसी के हिसाब से आपको कैंडल को एकदम बारीक नाइफ से काट लें, या फिर किसी ग्रेटर से आप इसको ग्रेट कर लें। 1 टेबल स्पून भर के आपको कैंडल लेना है, तो मैं यहाँ पे ग्रेट कर लेती हूँ और कुछ यहाँ पे हम नाइफ से काट लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, मैं हो या आप हो, हम चेहरे पर तो काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है एड़ियों की, उन्हें अक्सर हम भूल जाते हैं। इन पर भी हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो भार होता है यानी हमारी बॉडी का जो वेट होता है, वो एड़ियाँ ही सहन करती हैं। जब इनमें ड्राइनेस खुश्की आ जाती है, तो ये अपना नरिशमेंट खो देती हैं और फिर ये बुरे तरीके से फटने लगती हैं। इसलिए हमें एड़ियों का भी खास ध्यान देना चाहिए। 1 टेबल स्पून भर के मैंने मोमबत्ती को ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे एक पैन में या फिर किसी आप स्टील की कटोरी में डाल लें, और जितना आपने 1 टेबल स्पून मोमबत्ती ली है, उसी के हिसाब से आप छोटे 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है एड़ियों के लिए, साथ ही जो हमने मोमबत्ती ली है, ये भी एड़ियों की दरारों को भरने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद 1 छोटा चम्मच आप नारियल तेल डालें, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, चाहे फिर आपके पास पैराशूट है, जो भी घर पे रखा हो वो आप 1 चम्मच भर के डालें। जितनी क्वांटिटी ली है उसी के हिसाब से आपको तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जो हम इसकी क्रीम बनाएंगे ना, तब भी वो सॉफ्ट बनेगी। अगर आप तेल बहुत कम डालेंगे ना, फिर वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रेश एलोवेरा लिया है, इसकी एक लीव ले लें और आप इसका जेल निकाल कर इसमें डाल लें। तीनों चीज़ों को, चारों को अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे गैस पर रखें और 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से उबलने दें। जो हमने एलोवेरा इसमें मिलाया है ना, वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। कैंडल, साथ ही सरसों का तेल और जो नारियल का तेल है, वो भी धीरे धीरे इसी के साथ पक जाएगा। गैस को बंद कर दें और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने से पहले, यानी हल्का सा लगे कि आपको ये ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तभी यहाँ पे घर पे रखी हुई कोई भी आप साफ़ शीशी ले लें, कोई डब्बी ले लें, उसमें आप क्रीम को डाल दें। 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसे रखेंगे, तभी ये अच्छे तरीके से जमकर तैयार हो जाएगी। तो उससे पहले आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। क्रीम तो तैयार हो गई है। रात को सोने से पहले आपको 1 टब में 2 से 3 लीटर गर्म पानी लेना है, उतना पानी लेना है जितने आपके पैर सहन कर पाएँ। इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 पाउच शैम्पू का, अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हैं तो वो डाल लें, और कुछ ड्रॉप्स आप लेमन के डाल लें। ये सब नहीं है तो केवल नमक, शैम्पू और आप बेकिंग सोडा डाल के ही कुछ टाइम के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद ब्रश से रगड़ कर अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर लें, टावल से उसके बाद सुखा लें। सुखाने के बाद जो आपने क्रीम बनाई है ना, तो रात को सोते हुए अपने एड़ियों पर 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और इसे लगा दें। जहाँ जहाँ आपकी एड़ियों में दरारें आ गई हैं, लगा के अच्छे तरीके से उसके बाद सॉक्स पहनकर सो जाएं। इस उपाय को आप रोज़ रात को सोते से पहले करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपकी फटी एड़ियाँ ठीक होंगी। एड़ियों से खून आता है, चाहे एड़ियों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, दरारें हो गई हैं, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। चाहे सर्दी के मौसम में हो या फिर गर्मी की मौसम में, आपकी क्रैक हील्स पूरी तरीके से ठीक होने लगेंगी, क्योंकि ये घरेलू जो उपाय है ना, ये बहुत सदियों से लोग आजमाते आ रहे हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। घर की बनी हुई चीज़ों से आप जब इसे बनाकर लगाएंगे ना, आपकी कैसी भी फटी से फटी एड़ियाँ ठीक होंगी, पैर सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। लेकिन रात को सोने से पहले अपने, जैसे मैंने बताया, पैरों को अच्छे से धोएं, गर्म पानी में जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो डालकर, उसके बाद अच्छे से धोकर ये क्रीम लगाते हैं।
तो फटी से फटी एड़ियाँ भी आपकी पूरे तरीके से ठीक होंगी, पैर सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।